मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर के ऑडिटोरियम हॉल में रोहतक मंडल के भजन पार्टी एवं खंड प्रचार कार्यकर्ताओं की मंडल स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन सोनीपत के लोक कलाकार महाशय करण सिंह, कृष्ण कुमार रोहतक से कंवर सिंह, राकेश कुमार व कृष्ण जुआ ने किया। इस दौरान जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह, सेवानिवृत्त जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी देवराज श्री रोहिवाल, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने लोक कलाकारों को 4 दिवसीय कार्यशाला के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया करवाई। कार्यशाला के सुबह व शाम के सत्र में सेवानिवृत्त DIPRO देवराज श्री होरीवाल ने लोक कलाकारों को विभाग के प्रचार अमले की कार्यशैली को बेहतर बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि लोक गीतों के माध्यम से किस प्रकार सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कलाकारों को मंच पर लोगों के मनोरंजन करने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। ये हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क भाषा विभाग की तरफ से यहाँ 4 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में रोहतक मंडल के भजन पार्टियों और खंड प्रचार कार्यकर्ताओं की जो कार्यशाला है वो लगी है। इसमें उन्हें प्रचार की जो तकनीक है उसमें इजाफा करना है, उसको बढ़ाना है। गांव में जो सरकार की जो नीतियां हैं उनके कार्यक्रम हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से प्रचार करने की ज़रूरत है। और क्योंकि सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं तो 3 साल की जो उपलब्धियां हैं वो गांव में ये भजन पार्टियां जो है लेकर जाएंगी और लोगों में प्रचार करेंगे किस तरह सरकार बेहतर काम आपके लिए कर रही है और सरकार की नई नई नीतियां क्या हैं, नए नए विकास कार्यक्रम क्या हैं और 3 सालों में सरकार ने क्या कुछ किया है ये इसमें बताने की है। इसमें खंड प्रचार कार्यकर्ता हैं जो ब्लॉक पब्लिसिटी वर्कर होते हैं उनको भी ये बताया जाएगा वो स्टेज पर किस तरह बोलें, किस तरह अपनी बात को ज़्यादा स्पष्टता के साथ और दक्षता के साथ वो लोगों के सामने रखें। सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं उसके बारे में बताने की। इसमें नए गीत तैयार किए जाएंगे यहाँ पर और नए जो विकास गीत हैं उनके तैयार करके उनका यहाँ डेमो भी होगा। बाद में ये गीत जो है पूरे हरियाणा में इनको प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा और गांव-गांव के अंदर ये जो गीत हैं इनको दोहराया जाएगा जो और कलाकार हैं। और ये परंपरा अपने आप में एक बहुत ही महान परंपरा है क्योंकि देश में सिर्फ हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोक संपर्क विभाग में इस तरह के जो लोक गायक हैं, जो फोक मीडिया है वो काम कर रहा है, यह बेमिसाल है। और यहाँ काफ़ी उत्साह के साथ ये जो फील्ड के कर्मचारी काम कर रहे हैं और इसमें उम्मीद है बहुत अच्छा इसमें परिणाम सामने आए।